फंक्शन में तवायफें सिर्फ मुजरा करने के लिए जाती हैं, लेकिन अक्सर औकात तमाशबीन हजरात नाच गाने के अलावा भी बहुत कुछ करना चाहते हैं। असल में बात यह है कि कुछ लोग तवायफ को सिर्फ इस नज़र से देखते हैं कि बस ये इसका काम है कि इसे मिलो, इसे हासिल कर लो, दूसरे लफ्जों में आप जिस्म फरोशी कह लो। जो सदियों से चला आ रहा है जो तवायफ का काम है, उसका काम है अपना फन बेचना, गाना सीखना। वो बचपन से उसे सिखलाई दी जाती है, वो सीखती हैं अपना गाना, डांस सीखती हैं बाकायदा, क्लासिकल हो कथक हो, ये सीख के अपनी परफॉर्मेंस पे वो जितना भी कमा सकती हैं वो कमाती हैं। कुछ घराने ऐसे हैं जो कि महाजर कह लें आप, अपनी गुर्बत अपनी मजबूरी किसी भी वजह से इस मुआशरे में आके वो भी बस गए हैं। और अब तो एक नया ही सिस्टम चल गया है, बाहर से लड़कियां आती हैं जिनका काम ही जिस्म फरोशी है, जो कि तवायफ का काम बिल्कुल ये नहीं है। उसका काम इतना ही है कि वो अपने फन का मुजाहरा करके लोगों का दिल जीत लें। ये है कि हम इतबारी बंदों के साथ जाते हैं जिन्हें हमें पता हो कि ये हमारे साथ कोई बदतमीजी नहीं करेंगे। ये लड़कियां खानदानी नहीं हैं जैसे हम हैं ना, ऐसी नहीं है। वो लड़कियां कोई गढ़वी वाली हो गई, कोई चूड़ियों वाली हो गई, ऐसी हैं। और ये जैसे हम हैं तवायफें, ये वैसी लड़कियां नहीं हैं। दो नंबर जिन्हें कहते हैं ये वो लड़कियां हैं, लेकिन जिनको कुछ नहीं आता। और तो कुछ आता नहीं है ना, उनको गाना आता है ना कोई बजाना आता है, सिर्फ यही है कि उन्होंने वर्गल करना है और कमाना है। उन्होंने अपने साथ साथ हमारा भी नाम खराब कर दिया। अक्सर तवायफें जिस्म फरोशी के धंधे को पसंद नहीं करती और सिर्फ मुजरे की हद तक ही खुद को महदूद रखती हैं। इस सिलसिले में साइमा और पिंकी बाई ने मुझे बताया। अच्छा, फंक्शन बुक करने का तरीका कार क्या होता है आमतौर पे? फंक्शन बुक करने का हमारे लोगों में अक्सर यही होता है कि हम पहले तो जिम्मेवारी लेते हैं, जिम्मेवारी मकसद के कोई उधर बदतमीजी ना हो, हमारा इतबारी आदमी हो तो फिर हम जाते हैं। वैसे फंक्शन आ जाए तो हम नहीं जाते, वैसे फोन कर दे या नहीं, हम नहीं जाते। उसका एक तरीका कार होता है हमारा एक, वैसे भी हम जब तक इतबार ना हो ना हमें, हम नहीं जाते। चाहे हम रपट भी करवा के जाए ना, इतबार वाले बंदे भी होते हैं, फिर भी हम रपट करवा के जाते हैं। रपट वाला क्या कॉन्सेप्ट है फंक्शन पे जाने से पहले डांसर? हम पागेट थाने में इतला करके जाते हैं कि हम फलानी जगह जा रहे हैं, अपने इलाके के थाने। अपने इलाके के थाने, वो हमारी रपट होती कि महल्ला जो बंद हो गया, आखिर हमने भी तो रोजी करनी है ना, हमारा खानदानी रवायत है। ठीक है, मैं इस माहौल से ताल्लुक रखती हूँ, तवायफ हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जिस्म फरोशी करती हूँ। मेरा काम है कि मैं अपनी मेहनत मजदूरी करके अपने बहन भाइयों का पेट पालती हूँ, उनकी जो जायज हद तक उनकी ख्वाहिशात हैं वो पूरी करती हूँ। और अल्लाह का शुक्र है मेरे परफॉर्मेंस से ही उनका पेट भी भर जाता है और उनकी ख्वाहिशात भी पूरी हो जाती हैं, मैं इसी में खुश हूँ। यहाँ इस मोहल्ले का जहाँ आप रिहाइश पजीर हैं, इसके बारे में यहाँ का कल्चर कुछ बताइए। ये मोहल्ला एक इंसान की नज़र के साथ बुरा है, लेकिन ये मोहल्ला इतना बुरा नहीं है। सभी ये समझते हैं कि यार ये मुआशरा बहुत गंदा है, मगर ये मुआशरा गंदा नहीं है। अगर ये मुआशरा गंदा हो तो फिर यहाँ आने वाले लोग भी तो गंदे होंगे। ये मुआशरा गंदा नहीं है, ये लोगों का कहना है कि ये यहाँ ना जाओ, ये ना करो, वो ना करो, लेकिन ये बात नहीं है। आपके सामने यहाँ बहुत से लोग आते जाते होंगे? हाँ, यहाँ बहुत ज़्यादा लोग आते हैं फिर चले जाते हैं। ये जगह जो ऐसी हुई मुजरा होता है, कमरे लगते हैं, यहाँ ये चक्कर नहीं है। इधर तकरीबन 15-20 साल 25 साल पहले ये चीज़ थी, यहीं से सभी की एक्टरों की माएँ ये सब कुछ यहीं कमरे लगाती थी। कि कैसे तवायफों को पैसा देना है, कैसे उनका गाना सुनना है, क्या करना है, ये दो नंबर औरतों ने ख़राब कर रखा है। कि क्या है जी, ये लड़की ये खूबसूरत ले के आते हैं 2-3 हज़ार में, उसमें रात भी उन्होंने गुजार ली और फंक्शन भी सुन लिया, तो फिर वहाँ तो एफओ का क्या काम है। बाजार हुस्न लाहौर में सदियों पुराने तवायफ कल्चर की कई यादें दफन हैं। माजी की नामवर तवायफों में से एक बुढ़िया आज मुझे इस हाल में मिली।
जमाने की गर्दिश ने इस तवायफ से इसकी हर याद छीन ली है, लेकिन रक्स जंजीर पहन कर किया जाता है, इसे आज भी याद है।